हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की वीडियो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं कि हम लोग अब किस टारगेट से पढ़ाई करें, हमारा टाइम टेबल भी नहीं है, कब एग्जाम होगा, कितना मेहनत करें, कब से मतलब मेहनत करते आ रहे हैं, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखते रहिए। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर हम किस टारगेट से पढ़ाई करें, क्या पढ़ाई अब छोड़ दें, हमारा जो एग्जाम होने वाला था पोस्टपोन हो चुका है, क्या होगा कि कैंसिल हो जाएगा। तो आज की वीडियो पूरा देखिए। देखिए जैसे कि सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10 के बच्चों का कैंसिल कर दिया, उसको प्रमोट करने वाला है, और क्लास 12 के बच्चों को पोस्टपोन किया, यानी कि उनका एग्जाम लेगा। और यूपी बोर्ड जो है आपका क्लास 10 एंड क्लास 12 के बच्चों का एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन कर दिया इसका मतलब क्या है, इसको अगर कैंसिल करना होता तो पहले ही कर दिया होता, इसको कैंसिल नहीं करना है, इसे पोस्टपोन कर दिया इसका मतलब एग्जाम आपका लेगा, भले ही देर से लेगा लेकिन लेगा। तो आपको अब यहाँ पर कर्तव्य बनता है कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। इतना महीने से पढ़े हैं मेहनत करके, अगर एक महीना दो महीना लापरवाही करेंगे तो आपका जो पढ़ाई है पूरा नष्ट हो जाएगा। एक महीने लापरवाही से पूरा पढ़ाई इस साल भर की पूरा खत्म। तो आप अपना मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, पूरा घर पर अच्छे से सेफ्टी से रहिए, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे रहिए, किसी को ना हो भगवान की कृपा से। तो आप लोग अच्छे से घर पर ही पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपका होगा, भले ही देर से होगा लेकिन होगा। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग अपने पूरा साल भर की पढ़ाई को एक महीने की लापरवाही में इधर उधर ना करें, पूरा अच्छे से कोर्स को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, आपका काम है यही, आपका काम बस इतना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए, जितने भी डाउट हैं कि हम लोग अभी क्या करें। तो देखिए 20 मई को आपका डिक्लेयर हो जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा, टाइम टेबल भी रिलीज होगा नया, कोरोना वायरस का संक्रमण को देखते